अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके साथ नए और मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे, क्रिस्पी मटन चाप रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन चाप बनाने के लिए हमने लिए है मटन चाप पीस 700 ग्राम, 1 मीडियम साइज प्याज, इसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, नमक एड टू टेस्ट, हल्दी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मटन ऐड करेंगे। मटन में हम प्याज ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड टू टेस्ट, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे 100 ml, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे हाई फ्लेम पे 3 सीटी के लिए रख देंगे। 3 सीटी हो गई हैं, चाप रेडी है, इसमें पानी है, तो हम इसे हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई कर लेंगे। चाप में जो एक्स्ट्रा पानी था हमने उसे अच्छे से ड्राई कर लिया, हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। चाप रेडी है, अब हम उसका मसाला तैयार करेंगे। चाप को हमें कोट करना है। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप दही, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून बेसन, नमक एड टू टेस्ट, 1 लेमन जूस, कसूरी मेथी। कुछ मसाले में हमने लिया है रोस्टेड कुटी हुई धनिया 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हल्दी, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें हमें बेसन को भून लेना है। अच्छे से हम भून लेंगे ऑयल में बेसन को। बेसन को भून के ऐड करेंगे तो चाप में इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। बाउल लेंगे, उसमें दही ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे, सारे मसाले को हम इसमें ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे एड टू टेस्ट, हमने हाफ चाप में भी डाला था तो नमक को बैलेंस से डालना है, कसूरी मेथी ऐड करेंगे जिसको हमने रोस्ट कर लिया है, मिक्स कर लेंगे, रेड फूड कलर ऐड करेंगे। चाप को कोट करने वाला मसाला रेडी है, अब इसमें चाप के पीसेस ऐड करेंगे। सारे चाप के पीसेस को हम अच्छे से कोट कर लेंगे, सारे पीसेस में अच्छे से मसाले कोट हो जाएं। मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं चाप में, आइए अब हम इसे सेलो फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल लिए हम, सारे चाप के पीसेस को इसमें फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमें फ्लेम मीडियम रखना है, उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हम इसे पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हमें लाइट गोल्डन तक फ्राई करना है इसे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, क्रिस्पी हो गया है, माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। क्रिस्पी मटन चाप रेसिपी रेडी है, बहुत ही लाजवाब बना था, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बार बार बनाने का मन करेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।